शाम, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। तो आप जहाँ कहाँ भी हों अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खेलते रहें। बस हम यही उम्मीद करेंगे कि दोस्तों ये दिन बार बार आप सबके लिए आएँ, आप खुश रहें और आप अपने आप को इतना आगे ले जाएं, इतना आगे ले जाएं कि पीछे मुड़कर देखने का कोई तत्व ही नहीं बनता हो। तो दोस्तों ये खुशियों के दिन होते हैं, ये त्यौहार होते हैं, चाहे हो बैसाखी हो, चाहे लोहड़ी हो, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे गुरपुर्व हो, चाहे जो भी फेस्टिवल हमारे यहाँ हैं, आप अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, अच्छे से उनका संजोग कीजिए, आप अच्छे श्रद्धा से अपने मन के विचारों को सबके सामने रखिए, तो आपको पीछे मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों आप सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं और आपसे अच्छा कोई है ही नहीं। ये ज़िंदगी, ये आदमी का जो शरीर है एक अनमोल है, तो इसको हम जैसे मर्जी या जहाँ मर्जी ले जाएँ ये वहीं भटक पड़ता है। तो दोस्तों अगर ये शरीर, ये आत्मा कहीं भटकती है तो हमें उसको सही जगह पर भटकने के लिए तैयार करना है। वो ये शरीर है, जब जान चली जाती है, जब शरीर चला जाता है समझ लो, तो दोस्तों ये जब बंदे के अंदर है क्या है, ये ढांचा बना हुआ एक मिट्टी का है, ये एक कुछ भी नहीं है, यही इंसान अब आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे बातें अच्छी लग रही हैं, किसी को बुरी लग रही हैं, लेकिन जब ये सांस चली गई तो ये शरीर एक लाश बनकर रह जाता है और इसके अगल बगल तक कोई भटकता नहीं है। दोस्तों ये शरीर, जैसे अगर हम सांस अपनी निकल जाती है तो इससे बहुत गंदी बदबू आने भी शुरू हो जाती है दोस्तों। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। आप अपना ख्याल रखें, कोई भेदभाव किसी में ना रखें, कोई भेदभाव वाली बात ना करें, आप मिलके आगे चलें। भैया दोस्तों इंसान एक दूसरे के ही काम कारण आता है और आप अपना प्यार हमेशा हम पर बनाए रखें, आपके प्यार की ही ज़रूरत हमें है। तो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप अपना ख्याल रखते हुए अपने विचारों को सबके आगे रखते हुए आप एक नई दिशा की ओर बढ़ें और ये दिशा आपको बहुत दूर तक ले सकती है। तो जय श्री राम दोस्तों, जय श्री राम। और ये दिन, ये त्यौहार एक बहुत ही बड़ा दिन था और कुछ दिन में ही अब आने वाली है बैसाखी। तो दोस्तों ये त्यौहार भी सब मिलकर मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे और जीवन में चाहे सुख हो या दुख, लेकिन इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम एक इंसान हैं और हमें जन्म देने वाला सबका मालिक एक है, सबका मालिक एक है। तो दोस्तों रही बात मौसम चेंज होने वाला है, दिन ब दिन गर्मी आ रही है, आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मौसम से बचिए, जाता हुआ मौसम है, तेज़ी से गर्मी आ रही है क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है जैसे कि इसके हालात चल रहे हैं। तो दोस्तों थोड़ा ध्यान रखिए, अपने आप को बचाइए और अपने खाने पीने का भी ख्याल रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अगर किसी चीज़ की कमी है तो उस चीज़ को बराबर करके ही खाना है, थोड़ा बहुत जैसे भी है अपनी हैसियत के हिसाब से अपना ख्याल जरूर